मालदीव के साथ छोटी सी बात पर शुरू हुआ विवाद, अब मालदीव से भारतीय सेना की वापसी के अल्टीमेटम तक पहुंच चुका है। जिस मालदीव से भारत का पुराना नाता रहा है, वही मालदीव आखिर भारत को आंखें दिखाने की हिमाकत क्यों कर रहा है? पूर्व राजनयिक और यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके शशि थरूर ने इसी बात को लेकर भारत सरकार को न सिर्फ सावधान किया है, बल्कि इस बात को साफ किया है कि चीन भारत की सीमा पर अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। हमें मालदीव सरकार के साथ चीन की बढ़ती नजदीकियों पर बारीकी से नजर रखनी होगी। शशि थरूर ने आगे कहा है कि भारत सरकार को मालदीव की चीन से बढ़ती नजदीकियों से होने वाले खतरे के बारे में पता होना चाहिए। चीन हमारे सभी पड़ोसी देशों में तेजी से अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। भारत को निश्चित रूप से सतर्क रहना चाहिए और हमारी सरकार को उन खतरों के बारे में पता होना चाहिए। भारत और मालदीव के रिश्ते मौजूदा वक्त में अपने बुरे दौर में हैं। दरअसल वहां पिछले साल हुए राष्ट्रपति चुनाव में चीन समर्थित मोहम्मद मुइजू की जीत हुई। मुइजू ने राष्ट्रपति चुने जाने के बाद ही भारत से मालदीव में तैनात अपने सैनिकों को बुलाने की बात कही। मोहम्मद मुइजू ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान ही भारतीय सेना को वापस भेजने का मुद्दा उठाया था। मुइजू हाल ही में चीन के दौरे पर भी गए थे और लौटते ही भारतीय सेना की मालदीव से वापसी की डेडलाइन तय कर दी है। मोहम्मद मुइजू भारत की यात्रा से पहले चीन की यात्रा करने वाले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित मालदीव के पहले राष्ट्रपति भी बन गए हैं, क्योंकि पुराने राष्ट्रपतियों के रास्ते से हटकर मुइजू ने भारत की जगह सबसे पहले तुर्की का दौरा किया था, जिसके बाद चीन जाकर शी जिनपिंग से भी मिला है। लेकिन भारत दौरे पर जब आने की पेशकश की तो भारत ने फिर भाव नहीं दिया। भारत और मालदीव के बीच फिलहाल तो विवादों की शुरुआत तब हुई जब पीएम मोदी ने हाल ही में लक्षद्वीप की यात्रा की थी। पीएम मोदी ने अपने लक्षद्वीप दौरे की कुछ तस्वीरें भी शेयर की थी, भारतीयों से लक्षद्वीप घूमने की अपील की थी। पीएम मोदी का यह दौरा काफी अहम माना गया और सोशल मीडिया पर मालदीव तब ट्रेंड करने लगा था। पीएम मोदी का लक्षद्वीप दौरा मालदीव में भी सुर्खियों में आ गया, क्योंकि पीएम मोदी की यात्रा पर मुइजू सरकार के कई मंत्रियों और अधिकारियों ने विवादित टिप्पणी की थी। इसे लेकर भारत ने मालदीव सरकार के सामने आपत्ति दर्ज कराई। इसके बाद मुइजू सरकार ने अपने 3 मंत्रियों को हटा दिया, लेकिन विवाद अब भी जारी है। अब लक्षद्वीप से आगे बढ़कर मुद्दा भारतीय सैनिकों तक आ पहुंचा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।